वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां नववर्ष पर धर्मनगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से। एक बार फिर बता दें, नववर्ष पर धर्मनगरी में आस्था का सैलाब जो है वो उमड़ा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही। विश्वनाथ धाम में है सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर आपको बता दें, मंदिरों में भारी संख्या में आज श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। वहीं भीड़ को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। विश्वनाथ धाम में इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस बल भी जो है यहाँ पे तैनात नजर आ रहे हैं, और कितनी भीड़ है आज साल के पहले दिन यहाँ पर नजर आ रही है। भारी संख्या में लोगों की भीड़ है, लाइनें जो है लंबी लंबी लगी हुई है। भगवान के दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु जो है वो सुबह से यहाँ पर आ गए हैं। नए साल के पहले दिन की शुरुआत हो गई है और लोगों में उतना ही उत्साह भी जो है वो नजर आ रहा है। वाराणसी से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो देखने के लिए मिल रही है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, वाराणसी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान के दर्शन के लिए कितनी लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी यहाँ पे किए गए हैं। पुलिस बल भी जो है तस्वीरों में हमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लोगों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। भीड़ से किसी भी प्रकार से किसी को भी कोई नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान भी रखने के लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से। काफी एरिया को हमने नो व्हीकल जोन बनाया है, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और उसके अलावा जहाँ से एंट्री होगी और एग्जिट होगी, वहाँ पर ड्यूटी या पहले से उसको बढ़ाया जा रहा है, और उनको सुविधाजनक रूप से और कंट्रोल तरीके से, अगर एक जगह पे भीड़ होती है तो कैसे दूसरी जगह डाइवर्ट करना, उसका परीक्षण किया गया। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि तस्वीरें जो हमारे सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर हम देख सकते हैं कितनी भीड़ जो है वो मंदिरों में श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। क्या कुछ इंतजाम वहां पे किए गए हैं अभी सुरक्षा को लेकर? देखिए अंशु, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगे कि वाराणसी में जिस तरीके की व्यापक व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से की गई है, ताकि किसी श्रद्धालु किसी पर्यटक को असुविधा न हो सके, वाराणसी में गंगा घाट से लगा विश्वनाथ मंदिर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। और रात के दो बजे से श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग चुकी है। अभी तक लगभग 2 से 2.5 लाख दर्शनार्थियों ने दर्शन नववर्ष पे किया है, बाबा विश्वनाथ धाम में मिथा टेका है। वहीं वाराणसी में पर्यटक स्थलों पे तमाम जगहों पे पर्यटकों की संख्या का इजाफा हुआ है, और नए साल पे काशी का जो जश्न है हर हर महादेव के नारों से गूंजते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं काशी की जो जनता है, देश विदेश है, पर्यटक है, और वाराणसी में जो सुरक्षा की बात की जा रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, ड्रोन की व्यवस्था की गई है, तमाम तरीकों से पुलिस पैनी निगाह रखी है, ताकि कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना हो। और वाराणसी में बाबा के दर्शन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लगभग 2.5 लाख से 3 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, और लंबी कतार अभी करीब 4 से 5 किलोमीटर की लगी हुई है, दर्शनार्थी लगातार दर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।